बुरी कहती है देरी से मत आया करो। एक बात बताइए ना, मेरे साथ आपकी भी तो आ रही है। अरे मेरी बात सुन पहले, फोटोग्राफर की मेरी बात है तो बीच में मत डिस्टर्ब कर, तो बड़े लोग बात करते हैं बीच में बोलते। सुन मेरी बात, जब मेरी फोटो पा रहे जब तू एक बार करके साथ तो मैं देख कितने अच्छे में फोटो उतारे दोनों दुकान इकट्ठी पा। ये तो रोल है, देखो जी कोई बात नहीं, तो रोल है, मैं पति के रोल में आऊंगा, ये पत्नी का रूप बने थी ना पहले। हालत तेरे को आया बहन के भाई, मैं तो पछताया जयपुर में ब्याह करवा के। क्या इतनी सुथरी छोरी मिली इसलिए? अरे सुथरी का मैंने क्या करना है, तुम संस्कार नहीं है तेरे पास। अरे फुकड़ी दे इसको, बात सुनाई देती है क्या? कभी तुम ये सोचो उरे आ, उरे आ, घर की बात बात घर में होया कर ठीक है, बाहर नहीं बताया करते। मर्द मीर की पता नहीं कितनी बात होती है, मेरी बात सुन, जब भी मैं छुट्टी आऊं गांव में उड़ती उड़ती खबर आ मेरे कानों में, सारा गांव वाला बोल रहे हैं आज फौजी की बहू है ना, इतना पतला दुपट्टा ओढ़ के चल रहा है, इतना पतला दुपट्टा ओढ़ के चल रहा है, सारा मुंह दिख है, ऐसा ही मुंह दिख रहा है मेरा, दुनिया दिख रहा है, पता ही नहीं कब दिख है। हाँ अब मेरी बात सुन, वो कहते हैं ना कि घूंघट के यार से दीवर का दीदार अधूरा रहता है। तू कह रही थी ना, तू मुझे कह रही थी ना कि घूंघट के यार से दीवर का दीदार अधूरा है, दीदार अधूरा रहता है, और जब तक ना पड़े आशिक की नजर सिंगार अधूरा रहता है। तो मेरी बात सुन, लोग कहते हैं ना कि किसे ने सोहना बटवा लागे गिर गिर नोट दिखावे, किसे ने सोहना सुरमा लागे नैना में मटकावे, इस दुनिया में लाखों चेहरे में किस किसका जिक्र चलाऊं, और वो है सूरत सोहनी लागे जो भी दिल में भावे, तेरी सूरत कईयों के दिल भा रही है और किसी की नजर लग जाएगी तुझ पर, और मेरी बात सुन ले गोरी सुनाओ। हाँ Yeah.
किसी को भी बिना बताए ऐसे मत मार देना, चाल दे सांस पे मत मारिए कत्ते भी। आदमी का कोई माजरा नहीं होता, एक मिनट में जान निकल जाएगी, पहले वाली बात नहीं इंसान के अंदर आजकल। हाँ ऐसे चालते सांस पे मत मारे कर तू, समझ गई? इसीलिए बोलता हूँ हरे पतला दुपट्टा तेरा मोदी है, बढ़िया एक्शन था ना। दूसरा और देखिए, हाँ क्या हुआ? ये एक्टिविटी नहीं चलेगी मेरे हरियाणा में, नहीं चलती एक्टिविटी, ओनली फॉर राजस्थान। ओके ये खोटे मौका दूंगा, तो भी अंडर रिक्रूटमेंट पे है, ये ट्रेंड सोल्जर है। पिस्टल चल जाए, आप ठीक हैं? पिस्टल चल जाए, आहा तो रह गया था, दोबारा ले। चाकू चल जाए, सही टाइम पे ली ना तस्वीर, तीन झटके लगे, तीन फायर हो गए तीन। हाँ पिस्टल भाई मेरा तो रोल है, मैं तो रोल करूंगा, चाकू चल जाए, अरे यार देख एंटी मेरा तो घर उजड़े, हरिया ताड़ी बजाओ, मेरी तो बीरबल नहीं रुस है, हरिया ताड़ी बजाओ, देख उजाड़ के राजी है मेरा, मैं भी देखू कौन कौन उजाड़ के राजी है, आज की बात तो मैं बता रहे। चाकू चल जाए भरोसे बैठी है कि इस ताबीज के, ये ताबीज तो सिर्फ जयपुर में काम करे, दो साल और में काम को नहीं करे, यहाँ का नया ताबीज बनता है, पूछ पीछे वो देख जिसकी बीड़ी छुटवा रही थी वो बताएगा। हाँ सियाने आदमी है, पुराना डॉक्टर है, अन्य बेरो है, सारो कट्ठे बने थान को बेरो है इसने, हाँ बेरो है इसने सारो, मैं तो बंदे की पहचान कर लेता हूँ जी, कि थान को ताबीज बना दियो अब सुबह ली जो मारता बोलती है। बुड्ढे होते होंगे तुम्हारे वहां, ये तो धोसा के बुड्ढे हैं, सिगरेट का खत्म हो जाए ना तम्बाकू फिल्टर में से फूंक मार मार के मजा लेते रहते हैं। मैं कहता हूँ तलवार पुरानी जरूर है लेकिन काट वही है, तू क्या सोचे डायलॉग तू ही जाने, क्या तलवार पुरानी जरूर है लेकिन काट वही है, अरे अंकल बूढ़ा जरूर है लेकिन थाट
वही बता दियो ना कि कौन कहता है ये बुढ़े इश्क नहीं करते। बोलो मामा, बोलो मामा, कि कौन कहता है ये बुढ़े इश्क नहीं करते। अरे ये बात और है कि लोग इन पर शक नहीं करते। रेखा जी डोगरा का मन की बात देखना भी खेती हो गई। मैं तो यूं सोचूं तेरी बेइज्जती ना हो। रेखा हमारी कितनी पुरानी मुलाकात है? बहुत ज्यादा, 20 साल पुरानी मुलाकात है। 20 साल पहले मिले थे हम दोनों पहली बार और ये 19 साल का हो गया। पीछे बैठ जा। सुनो बच्चे, बच्चे के मन की निकालने दो। अरे बाप बाप होता है, नीचे मत बिठा, खड़ा हूं तेरे से। अरे मत छेड़ किसी लड़की को, पाप होगा। छीन लिया मत छेड़ किसी लड़की को, बाप होगा। अरे तू भी कभी किसी बच्ची का बाप होगा। खुदा करे तेरी बात सच्ची हो। अच्छा बोलो, खुदा करे तेरी बात सच्ची हो और जो मेरे को पापा बोले वो तेरी बच्ची। खुदा करे करे ऐसी खुदा करे ऐसी नखरेबाज हसीनाओं के। हेलो हेलो मैं बोलो बड़ा बच्ची बड़ी लाभ सिखारी। हेलो हेलो इसकी आवाज मत करने दे। हेलो हाँ, प्यार जब एक तरफ हो तो सजा देता है। अरे प्यार जब एक तरफ हो तो सजा देता है और प्यार जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। रेखा एक बात बताऊंगा, ध्यान से सुन के जाना, पर एक ही चीज अच्छी लगी है मुझे। पूछ कौन सी? कि प्यार जब एक तरफ हो तो सजा देता है और प्यार जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। अपने माथे पे ये बिंदिया की चमक रहने देना, क्योंकि ये सितारा मुझे मंजिल का बता देता है। समझ गई? हाँ, जुल्फे गालों पे यूं बिखरी हुई हैं। अरे जुल्फे गालों पे यूं बिखरी हुई हैं, देखकर मेरा दिल खो गया। जुल्फे गालों पे यूं बिखरी हुई हैं, देखकर मेरा दिल खो गया। मुझे कहती हो बदतमीज मेरी बात छोड़ो, पर तुझे मुझे देखकर अचानक क्या हो गया। तेरी चाल मटकनी
राजी ना बिल्कुल जी का मरती भी कौन तू तू मरती भी कौन मेरा पेंडा छूटा है पीछा छूटा मैं दूसरी लेके आऊं माँ जब तो माँ भी बोला थी बेटा इतनी सोनी बहू देख के आई हूँ तेरे खातर जयपुर शहर में सुंदर मिठी बोली लिखी पढ़ी जब तो मेरी माँ भी अफलातून होगी इकट्ठे बैठी है वह मेरी माँ ऐसे करोगे ना तो मैं मेरे पीर चल जाऊंगी ऐसे बोलोगे तो मैं मेरे पीर चल जाऊंगी पीर चली जाएगी सर सर मैं मेरी माँ से शिकायत कर दूंगी मैं मेरी सासू माँ से शिकायत कर दूंगा मैं मेरी माँ से शिकायत कर दूंगी मैं मेरी साली से शिकायत करूंगा ये तो एक ही रिश्ता होली सारा का सारा तो एक ही रिश्ता है किसी ने जात को नहीं पूछनी छान ली मैं तून गाले हंडे जाऊंगा कोई रोटी को नहीं पोवे मेरी आ बैठ झगड़े मियां बीबी के निपटते मेरी बात सुन तू जब जब मियां बीबी अरे मैं फर्जी आदमी फिजिकल मेडिकल सुबेरे उठ के 5 किलोमीटर की रेस लगाऊं 500 दंड बैठक काटूं आलसी कैसे बोल दिया तूने मेरे को नहीं मारूंगा नहीं मारूंगा नहीं फर्जी आदमी बहुत प्यार करता है फर्जी से अंडे आते हैं मेरे साथ मुझे आलसी क्यों बोल रही है और क्या कहना चाहती है तेरे लिए अलग से फिट होना पड़ेगा नेहा नीलू हाँ जी क्या बोल रही है फिट होने के लिए बोल रही है आपको फौज के लिए तो फिट हो ना हाँ तो इसके लिए भी फिट हो जाओ ना तू तो कह रहा फिट हूँ नीलू तूने तो बोला था कि मैं फिट हूँ कुछ